दोस्त लोग सबको नमस्कार है। आज अपना चैनल में ट्रांसफॉर्मर का टैप चेंजर के बारे में वीडियो देखते हैं। टैप चेंजर मैक्सिमम ट्रांसफॉर्मर में दिया होगा तो रेटिंग के हिसाब से वो टाइप्स वेरी होगा। अगर ज़्यादा पावर ट्रांसफॉर्मर रेटिंग से जो ज़्यादा रहता है उसमें अलग टाइप का टैप चेंजर यूज़ किया होगा, और डिस्ट्रीब्यूशन साइड जो ट्रांसफॉर्मर है उसमें अलग टाइप का टैप चेंजर यूज़ किया होगा। तो उसके बारे में सारे डिटेल्स इस वीडियो में देखते हैं। टैप चेंजर कैसा ऑपरेट होता है, अपने को क्यों उसका ज़रूरत है, और टैप चेंजर HV वाइंडिंग में क्यों दिया है, मतलब हाई वोल्टेज वाइंडिंग में क्यों दिया है। तो उसका टाइप्स दो टाइप्स है, ऑफ लोड और ऑन लोड, वो भी देखते हैं, और ऑन लोड का ऑपरेशन वगैरह इसमें देखते हैं। पूरा वीडियो देख लीजिए, आपको इसीलिए समझ में आएगा। और व्हाट इज़ टैप चेंजर, टैप चेंजर का मतलब तो ट्रांसफॉर्मर का आउटपुट वोल्टेज रेगुलेट करके मेंटेन करने के लिए ये टैप चेंजर रखा है। टैप चेंजर में एक लिंक्स रहता है, सिर्फ लिंक्स रहेगा। टैप चेंजर मतलब एक छोटा सा डिवाइस है, उसके अंदर लिंक्स रहेगा। वो लिंक्स क्या करेगा, जो ट्रांसफॉर्मर का वाइंडिंग से जो टर्मिनल आता है उस टर्मिनल को क्लोज ओपन करेगा, इतना ही काम करेगा टैप चेंजर। जो ट्रांसफॉर्मर में तीन टाइप का वाइंडिंग रहेगा और रेटिंग के हिसाब से वो वेरी होता है। कॉमनली LV वाइंडिंग, HV वाइंडिंग। जो ट्रांसफॉर्मर में पहला कोर से पहला वाइंडिंग जो रहेगा वो है LV वाइंडिंग, उसके बाद इंसुलेशन करते हैं, उसके बाद HV वाइंडिंग हाई वोल्टेज वाइंडिंग उधर वाउंड करते हैं। तो उसके बाद अगर ट्रांसफॉर्मर का रेटिंग ज़्यादा होगा तो उसके बाद टैप पोर्शन के लिए अलग से वाइंडिंग बनाते हैं। तो वो दोनों मिलके HV वाइंडिंग और टैप जो टैप वाइंडिंग है दोनों मिलके रेटिंग ट्रांसफॉर्मर को दिया गया है। तो टैप चेंजर वाइंडिंग अगर ज़्यादा करने से, मतलब ट्रांसफॉर्मर HV वाइंडिंग से ऐड करने से उसका रेटिंग बढ़ेगा नहीं, तो सेम रेटिंग में रहेगा। वो सेम रेटिंग में वोल्टेज मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा वाइंडिंग दिया है, वो है टैप वाइंडिंग। वो टैप वाइंडिंग और HV वाइंडिंग से जो टर्मिनल्स आएगा वो सीधा टैप चेंजर को आएगा। टैप चेंजर में वेरी कर सकते हैं हम लोग टैप चेंजर को यूज़ करके। तो नेक्स्ट जो स्लाइड आने वाला है उसमें देखिए और क्लियरली पता चलेगा। तो अपने को एक क्वेश्चन है, HV वाइंडिंग में क्यों टैप चेंजर दिया है। तो उसके लिए तीन कारण है। जो पहला कारण है, HV जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रहता है, उसमें इसलिए उसमें कंट्रोलिंग करना जो थोड़ा ईजी लगता है, क्योंकि LV वाइंडिंग में उतना कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो HV वाइंडिंग में ईजीली कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरा है, LV वाइंडिंग में करंट ज़्यादा रहता है, करंट रेटिंग का ज़्यादा रहता है, उसके वजह से अगर उसी से LV वाइंडिंग से हम लोग टैप लिया होता तो उसमें कंट्रोल करने के टाइम, ओपन क्लोज करने के टाइम स्पार्किंग्स वगैरह ज़्यादा होगा, इसीलिए मेल्ट हो सकता है, वेयर एंड टीयर ज़्यादा हो सकता है, इसीलिए उसको HV वाइंडिंग में लिया गया है। तो HV वाइंडिंग में करंट जो रेटिंग है वो कम रहता है, ऑपरेशन स्मूथली होगा। और तीसरा कारण है, LV वाइंडिंग जो कोर से पहला वाइंडिंग रहेगा वो LV रहेगा, उसके बाद HV वाइंडिंग रहता है, तो LV से टैप लेना मुश्किल लगेगा, तो इंसुलेशन वगैरह देना थोड़ा टफ लगेगा, इसीलिए जो बाहर वाइंडिंग HV वाइंडिंग है उसी से टैप लिया गया है। यही तीन कारण है HV वाइंडिंग में टैप चेंजर कनेक्ट करने के लिए। और ऑफ लोड टैप चेंजर टाइप 1 है ये। तो ऑफ लोड का मतलब ट्रांसफॉर्मर को डी एनर्जाइज्ड करके, जो चालू में जो ट्रांसफॉर्मर रहता है उसको बंद करके हम लोग टैप चेंजिंग करना पड़ेगा। अगर बिना बंद करके करेंगे तो वो ब्लास्ट होने को चांसेस है, ब्लास्ट हो ही जाएगा अगर बंद नहीं करेंगे तो, क्योंकि उसमें जब हम लोग एक पोजीशन से दूसरा पोजीशन चेंज करते हैं उस टाइम अंदर शॉर्ट सर्किट बन जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से। तो वो सब अभी नेम प्लेट में मैं दिखाता हूँ कैसा चेंज होता है। और इसमें एक डिफरेंस है टैप पोजीशन और जो वाइंडिंग का टैप लीड, ये दोनों का डिफरेंस है। तो नेम प्लेट में देख लीजिए, आपको आराम से समझ में आएगा। अभी एक पिक्चर दिया हूँ, लेफ्ट साइड वाला है वो हैंडल टाइप है, उसमें ट्रांसफॉर्मर को आप सीधा बंद करके वो हैंडल को घुमा के आप लोग लॉक कर सकते हैं टैप पोजीशन में। तो टैप पोजीशन लॉक करने के टाइम वो बराबर बैठना चाहिए, अगर बराबर नहीं बैठा है तो वो अंदर सर्किट पूरा क्लोज नहीं होगा, तो स्पार्किंग वगैरह आने को चांसेस है। और राइट साइड वाला पिक्चर जो देखिए, जो लंबा दिख रहा है लिंक वो वाला नहीं है, वो डेल्टा कनेक्शन बनाने के लिए दिया है। जो ट्रांसफॉर्मर का बीच में सेंटर में देखिए, उसमें छोटा से लिंक दिख रहा है, उसमें आप
छोटा से राड रहेगा, उस राड में आप लिंक को बना सकते हैं, मतलब लिंक को कनेक्ट कर सकते हैं। ये लिंक के हिसाब से आपको नेम प्लेट डिटेल में वोल्टेज वगैरह दिया होगा, इतना वोल्टेज रहने से आपको इतना आउटपुट मिलेगा करके, इतना टैप पोजीशन में करके, तो नेम प्लेट के हिसाब से आप कनेक्ट कर सकते हैं। अभी देखते हैं नेम प्लेट। तो जो लेफ्ट साइड पिक्चर है उसमें HV वाइंडिंग दिखाया गया है, दो वाइंडिंग है HV वाइंडिंग, एक को छोड़ दीजिए, एक को ले लीजिए। तो एक में देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये है टर्मिनल लीड्स, जो जॉइंट लीड्स है, ये वाला 3, 4 से चालू हुआ है। 1, 2 क्यों नहीं दिया है कि वो कनेक्टेड लिंक है, तो वो कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो अभी देखिए राइट साइड वाला जो नेम प्लेट है उसमें टैप पोजीशन का 1, 2, 7 है। तो टैप पोजीशन मतलब वो अलग चीज़ है और लीड जॉइंट मतलब वो अलग चीज़ है। अगर आप टैप पोजीशन फोर्थ वाला देखिए, वो नॉर्मल पोजीशन है, उसमें रखने से लीड 5 to 9 कनेक्ट होगा। 5 to 9 का लेफ्ट साइड देखिए, जो उतना वाइंडिंग लाइन में रहेगा, बाकी वाइंडिंग जो 6, 7, 8 है वो लाइन में नहीं रहेगा। तो अभी देखिए नॉर्मल पोजीशन में 33 kV रहेगा, 87.48 एम्पियर रहेगा HV साइड। और रेटेड वोल्टेज सेकेंडरी देखना है तो आप ट्रांसफार्मर का नेम प्लेट में देख सकते हैं, और उस ट्रांसफार्मर में जो सेकेंडरी आउटपुट दिया है वही कांस्टेंट मेंटेन होगा। अगर उससे कम हो रहा है, उससे आउटपुट नहीं मिल पा रहा है उतना रेटेड वोल्टेज, तो अपने को क्या करना है, टैप को बढ़ाना है, 4 से 5 आना है। अगर 5 आएंगे तो 9 to 4 कनेक्ट होगा। इसमें देखिए 9 से 4 कनेक्ट होगा तो क्या होगा, वाइंडिंग्स कम होगा, प्राइमरी का जो HV वाइंडिंग का नंबर ऑफ टर्न्स कम होगा, कम होने से अपने को सेकेंडरी जो आउटपुट वोल्टेज है वो बढ़ेगा। तो वो कैलकुलेशन के हिसाब से आप देख सकते हैं, ट्रांसफार्मर का फार्मूला है N1/N2=V1/V2। अपने को V2 चाहिए, तो इसीलिए V2 के हिसाब से देखेंगे तो N1 वेरी करने से V2 भी वेरी होगा। अगर N1 बढ़ेगा तो V2 कम होगा, N1 घटेगा तो V2 बढ़ेगा। यही फार्मूला है, सिंपल है। अभी अपने को सेम फार्मूला देखिए, अभी अपने को वोल्टेज सेकेंडरी में कम करना है। तो थर्ड नंबर टैप में जाएंगे, अगर दो नंबर टैप में जाएंगे तो वाइंडिंग नंबर ऑफ वाइंडिंग्स ऐड होगा। 8 to 5 देखिए, 8 to 5 ऐड होगा, नंबर ऑफ वाइंडिंग्स लाइन में रहेगा, तो उसके वजह से सेकेंडरी में वोल्टेज कम होगा। ये वाला एक तरीका है। और दूसरा, अपने को अगर ग्रिड में वोल्टेज बढ़ रहा है, प्राइमरी साइड ज़्यादा वोल्टेज है, 35 kV है, तो अपने को उस ट्रांसफार्मर का टैप पोजीशन 1 में लाना है। 1 में लाने से क्या होगा, तो ट्रांसफार्मर का आउटपुट वोल्टेज मेंटेन होगा। आप दो तरीके से भी मेंटेन कर सकते हैं, LV को मेंटेन करने के लिए HV को चेंज कर रहेंगे। अगर HV में ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है, LV को मेंटेन करना है, तो उस टाइम भी आप टैप पोजीशन चेंज करके LV में मेंटेन कर सकते हैं। अभी ऑन लोड टैप चेंजर के बारे में देखते हैं। ये टैप चेंजर में ट्रांसफार्मर को हम लोग बंद नहीं करेंगे, ऑन लोड में ही चेंज करेंगे। ऑन लोड में चेंज करने के लिए इसमें मैकेनिज्म वगैरह दिया है, वैसे ये जो टैप चेंजर है, ऑन लोड टैप चेंजर है, ऑयल के अंदर ही डूबा रहता है। तो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग जैसा टैंक के अंदर रहेगा, वैसे इसके लिए अलग से एक चैम्बर है OLTC के लिए, उसके अंदर ये OLTC के अंदर जो ऑयल वगैरह रहेगा, ट्रांसफार्मर ऑयल ही उसके अंदर भी रहता है। इसके लिए अलग से कंसर्वेटर दिया है, कंसर्वेटर में ब्रीथर वगैरह दिया है। तो अगर इसमें जब चेंजेस वगैरह होता है, उस टाइम स्पार्किंग वगैरह होगा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए और कूलिंग वगैरह देने के लिए ऑयल यूज़ किया है। इंसुलेशन प्रॉपर्टी के हिसाब से भी ऑयल यूज़ किया है। तो ये पिक्चर में देखिए, वैसे HV वाइंडिंग से टर्मिनल लेके उसमें टैप चेंजर में दिया है। टैप चेंजर का पिक्चर देखिए, वैसे रहेगा, इसके बीच में सेंटर में एक रॉड रहेगा, वो वाला रॉड इस तीनों को ऑपरेट करेगा। जो लेफ्ट साइड वाला पिक्चर है उसमें मैकेनिज्म दिखेगा आपको, गियर मैकेनिज्म, इसमें मोटराइज्ड मैकेनिज्म रहता है। वो मोटराइज्ड मैकेनिज्म एक रॉड को ऑपरेट करेगा, और रॉड सीधा वो टैप चेंजर में कनेक्टेड में रहता है, वो सीधा टैप चेंजर को ऑपरेट करेगा। तो ऑन लोड में टैप चेंज करने के टाइम कोई उसमें गलती नहीं रहना चाहिए। अगर थोड़ा से गलती के वजह से चेंज होगा तो शॉर्ट सर्किट होने को चांसेस है, लेकिन वो फिक्स्ड प्रोग्राम है,
तो गियर मैकेनिज्म और अंदर का टैप है वो फिक्स्ड है, तो उसके वजह से वो कभी चेंज नहीं होगा। अभी नेम प्लेट में देखिए, जो मैं ऑफ लोड का बताया था सेम है। पहला टैप पोजीशन दिखेगा आपको 1 to 17, इसमें तीन तीन टैप पोजीशन आपको अलग से दिखेगा, 9A 9B 9C। ये 110 kV का पावर ट्रांसफार्मर का है, तो 110 kV के लिए इसमें अलग से वेंडिंग दिया है, इसीलिए 9A 9B 9C दिया है। अब अलग से एक वीडियो में इसके बारे में देखते हैं, 9A 9B 9C के बारे में। अभी वोल्टेज का देखिए, प्राइमरी वोल्टेज एक टैप पोजीशन में 1 to 1 kV रहेगा, और इसमें करंट का रेटिंग देखिए, ON ON, मतलब ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल, उसमें करंट रेटिंग कम रहेगा। और बगल वाला ऑयल नेचुरल एयर फोर्स, एयर फोर्स मतलब फ़ैन लगा रहता है, एयर फोर्स के वजह से करंट ज़्यादा हम लोग उसमें यूज़ कर सकते हैं, करंट ज़्यादा आलो कर सकते हैं HV साइड। तो अभी टैप का लीड पोजीशन देखिए, अगर टैप पोजीशन 1 में रहेगा तो 2 to 12 रहेगा, तो अगर टैप पोजीशन 9B जो नॉर्मल पोजीशन है उसमें देखने से आपको 2 to 3 रहेगा। तो 9A में 2 to 4, 9C में 2 to 12, ये वाला सब जो डायग्राम के हिसाब से देखेंगे तो दिखेगा, लेकिन डायग्राम थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, इसलिए अलग से एक वीडियो में देखेंगे उसको। अभी टैप पोजीशन को हम लोग चेंज करके LV को वोल्टेज मेंटेन कर सकते हैं। अभी वर्किंग का देखते हैं, OLTC का। इसमें चार मेन इम्पोर्टेंट ये दिया है इक्विपमेंट, उसमें पहला वाला बाईपास स्विच, वैक्यूम स्विच, सेलेक्टर स्विच और रिएक्टर कॉइल। रिएक्टर कॉइल का काम, जब जो लीड से एक लीड से दूसरा लीड चेंज होता है, उस टाइम पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से जो करंट फ्लो होगा उसको कंट्रोल करने के लिए रिएक्टर कॉइल दिया है। और सेलेक्टर स्विच एक लीड से दूसरा लीड को सेलेक्ट करने के लिए काम में आता है। और वैक्यूम स्विच, जब एक लीड से दूसरा लीड में सेलेक्टर स्विच जाएगा, उस टाइम जो करंट आता है शॉर्ट सर्किट करंट, उसको थ्रू रिएक्टर कॉइल के थ्रू कनेक्ट करने के लिए वैक्यूम स्विच काम में आता है। और एक रिएक्टर स्विच और या रिएक्टर कॉइल और दूसरा रिएक्टर कॉइल को आइसोलेट करने के लिए भी वैक्यूम स्विच काम में आता है। और बाईपास स्विच मेन काम करता है उसको आउटपुट देने के लिए। इसमें आप टैप पोजीशन के कंपेयर करने से जो बाईपास स्विच है और उसका और नीचे जो टैप पोजीशन है, नीचे जो टैप लीड है 1 नंबर, उसके बीच में हम लोग एक टैप पोजीशन करके बोल सकते हैं, मतलब जो नॉर्मल टैप पोजीशन है उसको आप बोल सकते हैं। अगर जो ऊपर बाईपास स्विच दूसरा लीड में 2 नंबर में चेंज होगा तो उसका टैप पोजीशन चेंज होगा। जो ऊपर वाला, अब इसके पहले नेम प्लेट में देखिए, इसमें 2 नंबर कॉमन रहेगा, टैप सेलेक्शन कनेक्शन है उसमें 2 नंबर कांस्टेंट में रहेगा, और दूसरा वगैरह वेरी होगा जो राइट साइड वाला सेम है। इधर जो बाईपास स्विच है वो कॉमन पॉइंट है, तो बाकी लीड्स वगैरह चेंज होते रहता है, उसके हिसाब से हम लोग टैप पोजिशन वेरी कर सकते हैं, वेरी करके हम लोग बोल सकते हैं। अभी वर्किंग देखते हैं। पहला लीड में रहता है, अभी दोनों कनेक्शन में रहेगा, सप्लाई चलेगा, अभी है मूव हो रहा है। पहला वैक्यूम स्विच ओपन में रहता है, पहला जो रिएक्टर का जो सेलेक्टर स्विच है वो है 2 नंबर में जा रहा है, और अभी एक पूरा आइसोलेट हो गया, एक कनेक्शन में रहता है, तो एक नंबर लीड से कनेक्शन कंटिन्यूसली चलेगा। अभी देखिए दूसरा में जा रहा है, तो अभी हो गया दूसरा कनेक्शन, वैक्यूम स्विच भी क्लोज हो गया, अभी कनेक्शन में आ गया दोनों। अभी क्या होगा, 2 नंबर और 1 नंबर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसके वजह से जो शॉर्ट सर्किट करंट होगा वो रिएक्टर कॉइल में जाएगा, उसी के हिसाब से वो रिएक्टर कॉइल दिया गया है इसीलिए वो कंट्रोल करेगा। उसके बाद क्या होगा, बाईपास स्विच चेंज होगा, एक रिएक्टर कॉइल से दूसरा रिएक्टर कॉइल को चेंज होगा, फिर बाईपास कॉइल पूरा उधर चले जाएगा, एक सर्क्यूट आइसोलेट होगा, वैक्यूम सर्क्यू जो वैक्यूम स्विच है वो भी ओपन हो जाएगा, एक सर्क्यूट पूरा आइसोलेट हो जाएगा, एक सर्क्यूट पूरा लाइन में रहेगा। अभी पूरा सर्क्यूट लाइन में आ जाएगा, वैक्यूम सर्क्यूट वो वैक्यूम स्विच है ओपन में रहेगा, और बाईपास स्विच है दोनों में कनेक्शन में रहेगा। अभी 2 नंबर लीड कनेक्शन में रहेगा, पूरा नीचे का जो टर्न्स है वो कट हो जाएगा। तो ऐसी एक एक पोजीशन के लिए एक एक ऑपरेशन चलता है, ये सब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चलता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। अगर ज़्यादा टाइम लेगा तो उसमें स्पार्किंग वगैरह होगा, इसीलिए जो मैकेनिज्म जो रखा है वो क्विकली उसको तुरंत ऑपरेट करने के लिए वैसी बना के रखा है।
दोस्त लोग, जो मैं डिटेल्स जो बताया हूँ आपको यूज़फुल होगा करके मुझे लग रहा है। अगर ये वीडियो पसंद होगा तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।